टू इंटू फाइव का वन क्वेश्चन रहेगा और सेकेंड क्वेश्चन भी आपके टू इंटू फाइव का रहेगा मतलब ओवरऑल जो है आपके ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर जिसका की वर्ड्स का लिमिट है वो ट्वेंटी वर्ड्स का है कितना है ट्वेंटी का तो ट्वेंटी वर्ड्स में आपको उसके एंसोरेशन देने हैं तो आंसर किस हिसाब से देने हैं देखिए व्हाट इज एसिड टाइट्रेशन एसिड टाइट्रेशन इज अ न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन एंड आफ्टर दैट एसिड टाइट्रेशन व्हेन एसिड एंड बेस आर द सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्मेटेड तो उस हिसाब से आपको क्लासीफाई करके लिखना है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन क्या है उस हिसाब से क्लियर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेम ऑफ द थ्योरी ऑफ एसिड टाइट्रेशन दिस इज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थ्योरी है जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट सर आर थ्योरी है सेकेंड ब्रॉस्टन एंड लॉरी थ्योरी एंड तीसरी कौन सी है लुइस थ्योरी ठीक है तीन कंसेप्ट बोल दीजिए तीन थ्योरी बोल दीजिए तो फर्स्ट एस आरएनएस एन एस कंसेप्ट या आर थ्योरी में क्या था कि सर जो एच प्लस आयन देते हैं वो एसिड है और ओ एच प्लस ओ एच माइनस जो आयन देते हैं वो बेस है ये आर एन एस साइंटिस्ट ने बोला था नेक्स्ट फिर बॉर्टन एंड लोरी थ्योरी है उसमें क्या बोला गया कि जो प्रोटोन को देते हैं प्रोटोन डोनेट करते हैं वो एसिड है और जो तो प्रोटोन सर जो लेते हैं एक्सेप्ट करते हैं वो है बेस फिर लुइस आए लुइस ने क्या कंसेप्ट दिया लुइस कंसेप्ट uh, uh, लुइस थ्योरी क्या है कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को जो डोनेट करते हैं वो सॉरी एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड होते हैं और जो गिव्स करते हैं जो डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं इस हिसाब से ये तीन थ्योरी जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको ये इजीली याद भी हो जानी चाहिए बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट एंड ईजी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड नेम ऑफ थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट देखिए एसिड बेस इंडिकेटर की uh, कौन कौन सी थ्योरी है पहली कौन सी है सर पहली क्यून क्यूनोड थ्योरी है दूसरी बेंजोक्यून थ्योरी है ओके okay, दो थ्योरी जो अवेलेबल है क्यूनेट थ्योरी और बेंजोक्यून थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है देखिए वाट इज द मेन सॉरी वाट इज द मेन बाय द प्रोटोटाइप एसिड गिव्स एग्जाम्पल देखिए इसका मतलब क्या है कि मोनोट्राइप और प्रोटोटाइप एसिड क्या होते हैं मोनोट्राइप बोले तो कोई जो एसिड जो है वो एक एक ही प्रोटॉन को डोनेट करता है एक ही प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है उसको मोनोटाइप बोलेंगे मोनो बोले तो सिंगल एंड प्रोटोटाइप बोले तो एक से अधिक प्रोटॉन्स को डोनेट करता है उसको हम प्रोटोटाइप एसिड एग्जाम्पल बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन द लुइस एसिड एंड लुइस बेस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड है और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को जो डोनेट करते हैं जो गिव्स करते हैं वो बेस है अकॉर्डिंग टू लुइस थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लुइस थ्योरी गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लुइस थ्योरी यस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे हम लुइस थ्योरी में तो इसमें क्या रहेगा एडवांटेज देखिए मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है उसमें कंप्लीट हो जाती है उसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन कौन से एसिड है कौन कौन से बेस है और एक और एडवांटेज ये है कि फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब हुआ कि जो फ्री हाइड्रोजन ऑयन आयन जिसके पास अवेलेबल है वो भी एज ए एसिड ट्रीट करते हैं एंड इसका डिसएडवांटेज हम देखें तो मोस्ट ऑफ तो पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते ओनली ओ एन और एस जो है डोनेट करते हैं उसी की हेल्प से हम उस एसिड और बेस को पता लगा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन डिफाइन द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन एंड क्वेश्चन नंबर एट इज गिव द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर यूज इन एसिड बेस एसिडेशन तो इंडिकेटर जो है यूजुअली हम लेबोरेटरी में जो यूज करते हैं पहला हमारे पास एग्जाम्पल जो है जैसे एग्जाम्पल आता है इंडिकेटर का हमारे दिमाग में फिनॉक्सलिन आता है और सेकेंड जो है मिथाइल ऑरेंज आता है जो कि हम यूज करते हैं यूजली एसिडबिस्ट्राइट में देखिए फिनॉक्सलिन कब यूज करते हैं जब सर हम ब्यूरेट में एन्यूएच लिया है और नीचे ऑक्जलिक एसिड लिया है हम फिनॉक्लिन यूज करते हैं क्या करते हैं देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से क्या कर रहे हैं सर देखिए ब्यूरेट जो है मेरे पास और नीचे जो है मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क है अब जब मैंने ब्यूरेट में बेस लिया है क्या लिया है बेस लिया है बेस लिया और कॉनिकल फ्लास्क में मेरे पास एसिड है तब मैं फिनॉफेलिन क्यों यूज कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे को पता है सर कि फिनॉफेलिन जो है ऐसा इंडिकेटर है जो कि एसिड पी में कलर नहीं देता जब भी ये पी जो है बेसिक हो जाएगी इस कॉर्निकल फ्लास्क में ये बेसिक पी हो जाएगी देन इट्स गिव द कलर एंड आई फाउंड द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ओके नेक्स्ट अगर मैं इसका वाई वर्षा कर दूँ मतलब जस्ट इसका उल्टा कर दूँ तो उल्टा करने से क्या होगा सर अगर मेरे कॉनिकल फ्लास्क जो है इसमें मैं ले लेता हूँ बेस और ऊपर में एसिड ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में, में मिथाइल ऑरेंज यूज करूँगा बिकॉज मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेस कंडीशन में कलर नहीं देता और जैसे ही वो एसिड कंडीशन में आ जाएगा वो कलर शो करेगा और उससे कि मुझे एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन हो जाएगा तो इस टाइप के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नेक्स्ट बात आती है लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चन की देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके बेर एग्जामिनेशन में देखा जाए तो ऐसे ही तीन क्वेश्चन आएंगे दस दस नंबर के जिसमें कि आपको दो अटेंड करने रहेंगे चलिए तो इन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में एसिड टाइट्रेशन में कौन कौन से क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं पहला एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्यूनर और बेन्जोक्यून थ्योरी जो है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है विद एक्पल ऑफ एंड लिडियन मिथर के बारे में क्स्ट गिवे एक्सप्लेन टाइप्स की सारी थ्योरी जो है इस पर एग्जामिनेशन आपकी इम्पोर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है तो चलिए ये क्वेश्चन एंसर्स थे आपके यूनिट सेकेंड के फर्स्ट चैप्टर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में से उके? आने वाले टॉपिक में हम आ, आपके यूनिट सेकंड के सेकंड टॉपिक फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इनमें से हम शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि टॉपिक हमने क्लियर कर ली है अब एक बार हमको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उस हिसाब से हम मैन एग्जामिनेशन में अच्छा फाइट कर सकते हैं ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं बताना चाहूंगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए थ्योरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जितने भी टॉपिक आपके क्लियर करने हैं मैंने अलग से प्ले बना के रखी है आप चैनल में जाइए प्ले में जाइए और वीडियो चेक कर सकते हैं इवन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड भी कुछ वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर चुका हूँ ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग